हेलो एवरीवन, आई एम मुनमुन सेन। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग के लिए है विंटर केयर टिप्स, हेयर एंड स्किन दोनों के लिए। तो यहाँ देखिए, मैंने लगभग एक चम्मच घी ले लिया है, घर का बना हुआ शुद्ध घी मैंने लिया है और इसे डबल प्रोसेस में मैंने गला लिया है। विंटर का सीज़न है तो घी जम जाता है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ आधा चम्मच फिगारो का ऑलिव ऑयल। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। तो इसे सबसे पहले मैं अपने हेयर में अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये जल्दी जम जाता है। अभी विंटर का सीज़न है और ठंडा भी बहुत तेज़ है अभी। तो देखिए, मैं पहले इसे अपने हेयर में अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से पहले जड़ों में लगा लें, उसके बाद इसे अच्छे से आपको मसाज करना है हेयर में, ताकि ये एकदम पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए हेयर में। इसके बाद इसे आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा ऐसे ही छोड़ देना है। अब मैं इसे अप्लाई करूंगी अपने स्किन में, फेस में। तो देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पे गुलाब जल मिला रही हूँ। इसमें बस थोड़ा सा आपको मिक्स करना है गुलाब जल। तो इसको आप गुलाब जल से मिक्स करने के बाद देखिए, ये ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा क्रीमी बेस में आ जाएगा। अब इसे आपको क्रीम के तरह ही लगाना है, मसाज करना है। लगभग 5 मिनट आप इसे एकदम क्लीन स्किन में अप्लाई करें और मसाज करें। नेक में ना भूलें इसे अप्लाई करना, क्योंकि फेस एंड नेक में अच्छे तरह से इसे अप्लाई करना है और मसाज भी करना है। तो अब मिलती हूँ 1 घंटे बाद। तो यहाँ देखिए, मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है शैम्पू से। ऑफ कोर्स कंडीशनर भी लगाया है। आप भी अपने फेवरेट शैम्पू से अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लिए, आपको फील होगा कि वो बहुत सॉफ्ट हो चुका है। और मेरी स्किन को भी आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने कोई क्रीम अप्लाई अभी तक किया नहीं है। और घी से आपके स्किन को अच्छा मॉइस्चर मिल जाता है। तो अब मैं अपने हेयर को ड्राई कर लूँगी, उसके बाद आप देखिए मेरे हेयर कितने स्मूद और शाइनिंग लग रहे हैं। एंड आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स काम का लगा है तो प्लीज़ जाने से पहले एक लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद और भी बहुत सारे टिप्स आने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।